अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रोशे विद शाहीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। 4 कलर में मैंने बनाया है। बहुत इजीली बन जाता है, बिगनर्स भी इसको इजीली बना सकेंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये फरमाइश की थी कि मैं कोई 4 कलर का स्टेप बाई स्टेप डिज़ाइन बनाना सिखाऊँ, तो उनकी फरमाइश पर ये डिज़ाइन मैंने बनाया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आएगा। क्रोशिया हुक मैंने यूज़ किया है 10.075 mm, और थ्रेड मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ नैलॉन थ्रेड। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने बेस लाइन बनाई है। अक्सर मैं ये बेस लाइन बनाना आपको बताती हूँ। हम अपनी थ्रेड को जिस भी चीज़ पे बना रहे हैं उसके साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद सिंपल हमने 1 2 2 चेन्स लेनी है। 2 चेन्स लेने के बाद सिंगल क्रोशिया लेते हुए हम इसे अटैच करेंगे। फिर से हम 2 चेन्स लेंगे, 1 2, और सिंगल क्रोशिया लेते हुए अटैच कर लेंगे। और ये बेस लाइन हमने इसी तरह 2 चेन सिंगल क्रोशिया लेते हुए कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर हम 1 2 3 4 चेन्स लेंगे। 4 चेन्स लेने के बाद अब हम इसे टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद ये जो फर्स्ट हमारे पास सिंगल क्रोशिया है, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया लेते हुए इसे अटैच कर लेना है। 1 2 3 4 चेन्स लेंगे। 4 चेन्स लेने के बाद यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया लेते हुए इसे अटैच करेंगे। अब ये हमने 2 स्पेस रेडी कर लिए हैं। 2 स्पेस रेडी करने के बाद 1 2 2 चेन्स लेंगे। 2 चेन्स लेने के बाद ये जो ये वाला हमारे पास सिंगल क्रोशिया है, इसे स्किप करते हुए ये जो स्पेस है हमारे पास 2 चेन का, इसमें हमने डबल क्रोशिया ले लेना है। पहले हम 1 लूप को क्लोज कर लेंगे, 2 लूप्स को क्लोज कर लेंगे, 2 लूप्स को क्लोज कर लेंगे। अब हमने 1 2 3 चेन्स लेनी है। 3 चेन्स लेने के बाद फिर से हमने सेम स्पेस में डबल क्रोशिया लेना है। 1 लूप को क्लोज करना है, 2 लूप्स को क्लोज करना है, 2 लूप्स को क्लोज करना है। 1 2 2 चेन्स लेंगे। 2 चेन्स लेने के बाद अब इस सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे और इस सिंगल क्रोशिया में हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। 1 2 3 4 4 चेन्स लेंगे, सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4 4 चेन्स लेंगे, सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4 4 चेन्स लेंगे, सिंगल क्रोशिया लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने 3 टाइम ये स्पेस रेडी कर लिए हैं। वो हमारा फर्स्ट था तो हमने वहाँ पर 2 स्पेस बनाए थे। उसके बाद हमने ये पेटल बनाया है। फिर हमने 1 2 3 स्पेस बनाए हैं। 3 स्पेस बनाने के बाद 1 2 2 चेन्स लेंगे। 2 चेन्स लेने के बाद इस स्पेस में डबल क्रोशिया लेना है। 1 लूप को क्लोज करना है, 2 लूप्स को क्लोज करना है, 2 लूप्स को क्लोज करना है। 1 2 3 3 चेन्स लेंगे। अब इसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। 1 लूप को क्लोज करेंगे, 2 लूप्स को क्लोज करेंगे, 2 लूप्स को क्लोज करेंगे। 1 2 2 चेन्स लेंगे। 2 चेन्स लेने के बाद सिंगल क्रोशिया ले लेंगे और हम अपना ये राउंड इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने यहाँ पर फर्स्ट में भी हमने 2 स्पेस बनाए थे और एंड में भी हमने 2 स्पेस बना ली हैं। अब यहाँ पर हम अगेन 1 2 3 4 4 चेन्स लेंगे, टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये जो हमारा 4 चेन का स्पेस है, इसी में सिंगल क्रोशिया लेते हुए इसे अटैच कर लेना है। 1 2 3 4 4 चेन्स लेनी है। 4 चेन्स लेने के बाद यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशिया लेते हुए अटैच कर लेंगे। 2 चेन्स लेंगे, 1 2 2 चेन्स लेने के बाद अब हमने ये जो डबल क्रोशिया लिया है, इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया ले लेना है। 1 लूप को क्लोज करना है, 2 लूप्स को क्लोज करना है, 2 लूप्स को क्लोज करना है। 1 अब हमने ये जो 3 चेन का स्पेस लिया है, इसमें डबल क्रोशिया लेना स्टार्ट करना है। 2 3
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब ये हमने नाइन टाइम यहाँ पर डबल क्रोशिया ले लिए हैं। नाइन डबल क्रोशिया लेने के बाद जो लास्ट हमारा डबल क्रोशिया है वो हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर ले लेंगे। अब हमने वन टू टू चेन्स लेनी है। टू चेन्स लेने के बाद ये जो फोर चेन का स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। वन टू थ्री फोर, फोर चेन्स लेंगे, सिंगल क्रोशिया लेंगे। वन टू थ्री फोर, फोर चेन्स लेंगे, सिंगल क्रोशिया लेंगे। वन टू, टू चेन्स लेने के बाद अब ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया लेंगे और फिर से हम जो थ्री चेन का स्पेस है इसमें एट डबल क्रोशिया लेंगे और वन डबल क्रोशिया यहाँ पर ले लेंगे। ये सेम यही प्रोसेस है जो हमने यहाँ पर किया था और इसी तरह बनाते हुए हम अपने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से हमने अपनी थ्रेड को कट करके बैक साइड पर अटैच कर लिया है। अब हम अगेन यहाँ से अपनी थ्रेड को का कलर चेंज कर लेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर कलर चेंज नहीं करना चाहते तो सेम कलर से भी आप यहीं से इसी साइड से वापस टर्न कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर कलर चेंज करना था तो इसलिए मैं अब अपनी इस थ्रेड को यहाँ पर अटैच कर लूँगी। वन टू थ्री फोर, फोर चेन्स ले लेनी है। फोर चेन्स लेने के बाद फर्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। वन टू, टू चेन्स लेंगे। टू चेन्स लेने के बाद अब ये देखिए, ये जो हमारे पास फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसकी जो ये वाला स्टिच है इसमें हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। वन लूप को क्लोज करना है, टू लूप्स को क्लोज करना है, टू लूप्स को क्लोज करना है। वन चेन लेनी है। वन चेन लेने के बाद अब इसके साथ वाले स्टिच में ही हम वन लूप को क्लोज कर लेंगे, टू लूप्स को क्लोज कर लेंगे, टू लूप्स को क्लोज कर लेंगे। वन साथ में ही हम ले लेंगे एक और डबल क्रोशिया। टू, वन चेन लेंगे। वन चेन लेने के बाद इसी डबल क्रोशिया पे हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। वन लूप को क्लोज कर लेंगे, वन लूप को, टू लूप को क्लोज कर लेंगे, टू लूप्स को क्लोज कर लेंगे। सेकंड में भी इसी तरह हमने ले लेना है, वन लूप को क्लोज करना है, टू लूप्स को क्लोज करना है, टू लूप्स को क्लोज करना है। ये देखिए फिर से यहाँ पर हम वन चेन लेंगे। वन चेन लेने के बाद फिर से हमने इसी तरह इसे बना लेना है और ये इस पूरे फैन को इसी तरह हमने टू डबल क्रोशिया वन चेन, टू डबल क्रोशिया वन चेन लेते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए अब हम लास्ट स्टिच में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने वन चेन ले ली है। वन चेन लेने के बाद ये जो हमारे पास डबल क्रोशिया का स्टिच है इसमें हमने वन टाइम डबल क्रोशिया ले लेना है। वन टू, टू चेन्स लेनी है। टू चेन्स लेने के बाद इस सिंगल क्रोशिया में, फोर चेन्स में सिंगल क्रोशिया लेना है। वन टू थ्री फोर, फोर चेन्स लेनी है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ले लेना है। वन टू, टू चेन्स लेनी है। टू चेन्स लेने के बाद यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया ले लेना है। वन चेन लेनी है, टू टाइम डबल क्रोशिया ले लेना है। और इस फैन को भी हमने
सेम इसी तरह कंप्लीट कर लेना, और हम अपना ये राउंड इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर चुके हैं और फिर से हमने यहाँ अपनी थ्रेड को कट कर लिया है। अब हम यहाँ से अपनी थ्रेड का कलर चेंज कर लेंगे। आपने सेम कलर लगाना हो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्लिप नोट बांधेंगे। स्लिप नोट बांधने के बाद अब हमने अपनी थ्रेड को यहाँ पर अटैच कर लेना है। वन टू थ्री, थ्री चेन्स लेंगे। थ्री चेन्स लेने के बाद अब ये देखिए यहाँ पर हमने वन चेन का स्पेस बनाया था। वन चेन के स्पेस में हमने डबल क्रोशिया ले लेना है। वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव टाइम हम यहाँ पर डबल क्रोशिया लेंगे। अब हम इस लूप को अप करेंगे। अप करने के बाद ये जो फर्स्ट हमारे पास डबल क्रोशिया का ये स्टिच है, इसमें हमने अपने नीडल को इंसर्ट करते हुए यहाँ से हम इस स्लिप स्टिच को आउट करेंगे। स्लिप स्टिच लगा के वन टू थ्री, थ्री चेन्स लेंगे। थ्री चेन्स लेने के बाद अगेन हम ये वन चेन के स्पेस में फाइव टाइम डबल क्रोशिया बना लेंगे। वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर से हमने इसे अप करना है। अप करने के बाद ये जो फर्स्ट हमारे पास डबल क्रोशिया है, इसकी इस स्टिच में हमने इस लूप को आउट करना है। और यहाँ पर हम वन टू थ्री, थ्री चेन्स बना लेंगे। देखिए इसी तरह बनाते हुए हमने अपने इन तमाम वन वन चेन के स्पेस में इसी तरह के पैटर्न रेडी कर लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पेटल्स बना लिए हैं। यहाँ पर अगर आपको खिंचाव सा महसूस हो तो आप वन चेन इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम वन टू थ्री, थ्री चेन्स लेके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। फिर से हम थ्री चेन्स लेंगे। वन टू थ्री, थ्री चेन्स लेने के बाद ये जो हमारे पास वन चेन का स्पेस है फर्स्ट वाला, इसी में हमने फिर से फाइव डबल क्रोशिया लेते हुए इस तरह के पैटर्न रेडी कर लेने हैं। और इस राउंड को हमने अपना इसी तरह कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत से पैटर्न बन के रेडी हुए हैं। अब अगेन हमने अपनी थ्रेड को यहाँ से कट कर लिया था, फिर से हमने यहाँ पर अपनी थ्रेड को अटैच कर लेना है। तो हम यहाँ पर स्लिप नोट बांधेंगे। स्लिप नोट बांधने के बाद अब हमने जो फर्स्ट हमारे पास चेन है, इसी में हम सिंगल क्रोशिया लेते हुए इसे अटैच करेंगे। और इस स्पेस में भी हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। सिंगल क्रोशिया लेने के बाद अब ये जो हमारे पास स्पेस है, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया ले लेना है। सिंगल क्रोशिया लेने के बाद हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया लेने के बाद डबल क्रोशिया लेंगे। वन टू थ्री, थ्री डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर से हमने हाफ डबल क्रोशिया लेना है। हाफ डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर से हमने सिंगल क्रोशिया लेना है। अब ये जो हमने स्पेस लिया था, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया ले लेना है। हाफ डबल क्रोशिया, थ्री टाइम डबल क्रोशिया। वन टू थ्री, थ्री डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर से हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, सिंगल क्रोशिया लेंगे। फिर हम इस स्पेस में आ जाएंगे और यहाँ पर
सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। देखिए इस तरह के हमने लीव से बनाने हैं इन तमाम, ये जो स्पेस है इनमें इसी तरह हम ये लीव बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 1 2 3 4 पेटल्स बना लिए हैं। 4 पेटल्स बनाने के बाद अब इस स्पेस में हम 1 2 3 सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर यहाँ पर भी हम 1 2 3 सिंगल क्रोशिया ले लेंगे और यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, 3 टाइम डबल क्रोशिया लेंगे। अब इस फैन को भी हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है जैसे इसे किया है, और इसी तरह बनाते हुए हम अपने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। बना के मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि बन के ये कैसा दिखता है। जी तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत ही क्यूट सा और प्यारा सा डिज़ाइन बन के आया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज़।